हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जा रहे हैं चिकन कोफ्ता करी बनाने। तो मैं एकदम आसान तरीका आपको बताऊंगी चिकन कोफ्ता करी बनाने का। आप लेंगे चिकन, बोनलेस चिकन लेंगे हम, जिसमें एक भी हड्डी ना हो। हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और मिक्सर में उसे हम पीस लेंगे। तो हमें एकदम अच्छे से महीन पीस लेना है, इसका एकदम स्मूथ बैटर बना लेना है, एकदम बारीक पीसना है। जब ये बारीक पीसे हुए होते हैं ना, तो ये अच्छे से कुक हो जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 प्याज कटी हुई, बारीक कटी हुई हमें प्याज ले लेनी है दो। उसे हम एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसे मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 6-7 हरी मिर्च कटी हुई। इसमें डालेंगे हरी धनिया पत्ती काट के, एकदम बारीक काट के डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ और भी, हम इसे ऐड करेंगे तो थोड़ा इसमें डालेंगे हम कद्दूकस किया हुआ अदरक, 6-7 कलियां लहसुन की, उसे भी हम बारीक काट कर डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और 1 चम्मच बेसन। अब इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें सारे मसाले एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि नमक भी पूरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे हम ढककर। फिर इसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो बॉल्स हमें ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, थोड़े मीडियम साइज के होंगे तो ज़्यादा सही रहते हैं। तो जितना भी बैटर है उसका हम छोटा छोटा कोफ्ता बॉल बना लेंगे। तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं बॉल्स। अब इनको हम तलेंगे। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे तेल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। वैसे खाने के लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है। अब तेल हमारा एकदम अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब उसमें हम डालेंगे कोफ्ते को। अब हम इसमें जितने कोफ्ते आ जाए उतने हमें डाल देने हैं। हमें इन्हें पलटना नहीं है। हम जब पैन को घुमाएंगे थोड़ी देर के बाद, तो इसमें से जो पके हुए हैं वो अपने आप ही निकल जाएंगे नीचे से। और जो नहीं पके हैं वो जल्दी नहीं निकलेंगे। अगर चम्मच से हम निकालते हैं तो वो नीचे चिपके हुए हिस्से टूट जाते हैं। तो हमको इसीलिए जब ये पक जाए थोड़े, तभी हमें चम्मच से इन्हें पलटना है। तो इसी तरह जो नीचे की तरफ से पक चुके हैं उन्हें जब हम पलट देंगे तो ऊपर की तरफ से भी पक जाएंगे वो। सबको इसी तरह हम पलट लेंगे। 3 कोफ्ते बचे हुए थे तो हमने सोचा इन्हें एक किनारे करके उन्हें भी डाल दें साथ में, ताकि वो भी इन्हीं के साथ कुक हो जाएं।
वैसे इन्हें हम ऐसे भी तलने के बाद कोई भी चटनी सॉस से भी खा सकते हैं, मगर हम आज बनाने जा रहे हैं ग्रेवी वाली चिकन, चिकन के कोफ्ते, तो हम आज ग्रेवी वाली बनाएंगे। तो इस तरह से हम जब पैन को हिलाते हैं ना, तो जो भी उसमें गोल गोल घूमते हुए एकदम अच्छे से तेल में पक जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा तेज में हिलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तेल छलक के हम लोग के ऊपर भी लग सकता है और हम जल भी सकते हैं। इसीलिए सावधानी से उसे हिलाएं। अगर नहीं हिलाते बनता तो आप उसे चम्मच से ही निकालें और या पलटें। अब हमारे जो एकदम अच्छे से पक चुके हैं, लाल हो चुके हैं, उन्हें हम निकाल लेंगे। और किनारी वालों को भी हम अगर बीच में कर देते हैं तो वो अच्छे से वो भी पक जाएंगे। तो हम इस तरह से जो भी ज़्यादा लाल हो चुके हैं उन्हें हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसके ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए ले लेंगे हम 2 टमाटर कटे हुए, 8-10 कलियां लहसुन की, अदरक का टुकड़ा, 2 प्याज, थोड़ा से गरम मसाले, उसमें हो गया लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जीरा, और ग्रेट किया हुआ नारियल 1 टुकड़ा। अब इन सबको हम मिक्सी जार में डालकर एक बैटर बना लेंगे पीस कर। हमें इन सबको एकदम महीन पीसना है। इसमें हम 8-10 लाल मिर्च भी डाल देंगे। तो हमने इसे एकदम अच्छे से महीन और थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया है। तो हमारा हो गया बैटर तैयार। अब हम लेंगे एक पैन में तेल, अब उसमें डालेंगे 1 प्याज कटी हुई और उसको हम लाल होने देंगे। जब हमारे प्याज लाल हो जाए तो हम उसमें मसाला ऐड कर देंगे जो हमने पीसा था। अब ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम पकने देंगे और जो जार में था मसाला उसमें पानी डाल के इसमें डाल देंगे और इसे ढककर हम पकने देंगे। और थोड़ी थोड़ी देर पे हमें इसे खोलकर चलाते रहना है। हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि मसाला एकदम अच्छे से पक जाए। और हमें ढक्कन बंद करके ही अगर हम मसाला भूनते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मसाला हमारा एकदम भून चुका है। अब इसके अंदर हमने जो भी कोफ्ते तले थे उसको मसाले में डालकर और भूंज लेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर पकाएंगे और फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के और ढककर इसको पकने के लिए अभी हम छोड़ देंगे। अब इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा पानी। हमें जितना ग्रेवी पतला रखना है उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। वैसे हमें ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं बनाना है, तो हमने थोड़ा ही पानी डाला है। इसको ढक के हम पकाएंगे और ये हमारा पक चुका है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप भी बनाएं और खाएं और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।